अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे कीमा मेथी मसालेदार, जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और झटपट तरीके से बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक भगोना और उसमें डाल दिया है तेल। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच बड़े वाले चम्मच से तेल डाला है। उसके साथ ही मैंने गर्म मसाला ले लिया है, तो उसके अंदर दालचीनी, जायफल, जबत्री, लौंग, इलायची और काली मिर्च सब कुछ ले लिया है। और उसी के साथ मैंने एक प्याज काट के रख लिया था, उसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसमें प्याज डालेंगे, तो प्याज को जब हम फ्राई करेंगे तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी तो हम प्याज को पीस कर भी डालेंगे। टोटल हमें 4 प्याज डालना है, जिसमें से 3 प्याज को हमने पीस कर रख लिया है और 1 प्याज को हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। तो अच्छी तरीके से हम इस प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, हमारी अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई हमारी प्याज हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 किलो कीमा। इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके एक स्टेनर में रख दिया था, जिससे कि इसका पूरा पानी निथर जाए। तो इसको हम डाल देंगे और हाथों से हल्के से फैला देंगे, ताकि इसकी बोटियाँ एक दूसरे में चिपके नहीं। और फौरन ही इसके अंदर हम चम्मच चला देंगे, ताकि इसकी बोटियाँ एक दूसरे से चिपके नहीं और ये गांठें ना बने इसके अंदर, और बेहतरीन सा बिखरा हुआ हमारा कीमा बनकर तैयार हो। तो फौरन आप इसमें चम्मच चला दें, और जिस तरीके का भी आप कीमा चाहें उस तरीके का आप ले सकते हैं। बारीक कीमा भी ले सकते हैं इसके लिए, या फिर मोटा वाला भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम कीमा लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इसको डालकर भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। नमक डालने से हमारे कीमे की बोटियाँ अच्छी तरीके से नमकीन हो जाएंगी और हल्दी से इसका कलर भी अच्छा हो जाएगा। तो इसको डालकर हम खूब अच्छे तरीके से भूनेंगे। पहले इसका पानी सूखने तक हम इसको भून लेंगे। जितना भी इसके अंदर गोश्त का पानी है वो सारा हमें सुखाना है, और पूरे तरीके से तेल ऊपर आने तक हमें इसको भूनना है। तो हमने यहाँ पर आंच को बिल्कुल फुल रखा है, ताकि जल्दी से इसका पानी सूख जाए। और करीब 10 मिनट लगे हैं और इसके अंदर ही हमारा पानी अच्छे से सूख चुका है। ये देखें, हमारी पूरी एक एक गोटी बेहतरीन तरीके से बिखर चुकी है। बस इतना ही हमें इसको भूनना था। और इसके बाद हम डाल देंगे प्याज जो हमने पीस कर रखे थे। तो 3 ये मीडियम साइज़ के प्याज हैं। 1 प्याज को हम पहले ही फ्राई करके डाल चुके हैं इसके अंदर, और बाकी के 3 प्याज हमने पीस कर रख लिए थे। इसको भी हम इस कीमे में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। प्याज मिक्स करने के बाद इसके बाद डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच अदरक और 1/2 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। तो इन दोनों को डालने के बाद भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ हम सूखे मसाले भी डाल देंगे। जो धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर बची हुई है वो हमें डालना है इसके अंदर। तो 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच डालूंगी मैं धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 1 चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर डालूंगी। हल्दी पाउडर और नमक हम पहले ही डाल चुके हैं, और इन सबको मिलाकर अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। और जो प्याज का पानी है उसी के अंदर हमें इसको गोश्त को भूनना है, कीमे को, और उसी में मसाले को हमारा अच्छे तरीके से भून जाएगा। ढक्कन ढाक कर हम इसको स्लो आंच पर धीरे धीरे भूनेंगे। पानी हम इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। इसी का जो पानी रिलीज़ होगा, गोश्त का थोड़ा बहुत पानी होगा, और जो प्याज का पानी होगा इसी के अंदर हम इस मसाले को भून लेंगे। तो धीरे धीरे हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे, और ढक्कन ढाक कर इसको हम करीब, जब तक कि हमारा पानी अच्छे तरीके से सूख नहीं जाता है, तेल रिलीज़ नहीं हो जाता है, तब तक हम इसको भूनते जाएंगे। और ये देखें, करीब 10 मिनट के बाद ही हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून के तैयार होने लगा है। इसमें तेल भी रिलीज़ होने लगा है। गोश्त की जो बोटियां हैं कीमे की, एक एक करके बिल्कुल बिखर चुकी हैं, और बेहतरीन सा हमारा मसाला भून के तैयार हो चुका है। अच्छी सी खुशबू आने लगी है इसके अंदर से। अब इसके अंदर हम मेथी ऐड कर देंगे। तो जितना हमारा कीमा है उतनी ही हम मेथी डालेंगे। तो 1/2 किलो मैंने कीमा लिया था, और 1/2 किलो ही मैं यहाँ पर मेथी डाल रही हूँ। तो इसके अंदर इसको डालकर भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और मेथी डालने के बाद हमें इसको ढक्कन नहीं ढाँकना है। ढक्कन ढाँकने से मेथी का कलर ख़राब हो जाएगा, तो इसके लिए हम ढक्कन खोल कर ही इसको हम फुल आँच पर अच्छी तरीके से भून लेंगे। करीब 5 मिनट भूनने के बाद हमारी मेथी और कीमा अच्छी तरीके से भून चुके हैं, दोनों एक साथ अच्छे से मिल चुके हैं। ये देखें, बेहतरीन सा हमारा कीमा मेथी तैयार हो गया है। अब इसके साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च, जो कि इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे।
तो यहाँ पर हम हरी मिर्च भी, 4-5 हरी मिर्च ले ली है मैंने, जो कि लंबी लंबी काट ली है, और स्लाइस में मैंने टमाटर ले ली हैं जो कि देखने में बड़े खूबसूरत लगेंगे। तो इसको डालकर भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और इसको डालने के बाद बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, बस 2-3 मिनट के लिए हम इसको और पकाएंगे और ये कीमा बनके हमारा तैयार हो जाएगा। और इसके साथ में डाल देंगे हम आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, जो कि मेरा होममेड है। इससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ जाएगी और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो 2-3 मिनट पकाने के बाद हमारे टमाटर और हरी मिर्च भी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं और हम इसको सर्व करने के लिए तैयार है। ये बेहतरीन सा कीमा हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो बेहद आसान और मज़ेदार ये कीमा मेथी मसाला बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो आप इसको सर्व कर सकते हैं पूरी के साथ, या फिर कुरकुरे पराठों के साथ, या फिर घी लगी गर्मा गर्म रोटी के साथ। ये किसी के साथ भी आप सर्व करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा और खाने वाला आपकी तारीफ़ किए बना बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जाके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।